तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका पार्ट सेकंड के अंदर। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा एक हीरो की कहानी। हीरो मतलब इज नॉट अ हीरो, इज नॉट अ सलमान खान और शाहरुख खान और समथिंग लाइक दैट। शेयर मार्केट के हीरोइन है, इंडिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट के, मतलब शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा कमाने वाले पर्सन के बारे में बात करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद गेस कर चुके हैं करेक्टली, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाले के बारे में मैं आपको बात बताता हूं। अल्मा मैटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं। हुआ क्या, राकेश झुनझुनवाले का बहुत इंटरेस्ट था, मुंबई में रहने वाले थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका शेयर मार्केट में। इनके पास इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए से चालू किया था, से आज की डेट में इनका इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़। कैन यू इमेजिन 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है राकेश झुनझुनवाले का। मतलब 20,000 करोड़ किसे कहते हैं, 10,000 से 20,000 करोड़। वॉरेन बफेट की बात करी जाए तो जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 richest persons के अंदर काउंट करा जाता है, जिन्हें उन्होंने पूरा पैसा सिर्फ शेयर मार्केट से कमाया। एट द एज ऑफ 13, जहां पे बच्चा ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता, जहां पे ढंग से बच्चा चीजें समझ नहीं पाता, 13 ईयर की एज में वॉरेन बफेट उस टाइम पे कंपनीज की बैलेंस शीट्स पढ़ा करते थे। He's having huge interest in this market. And look at him. मतलब उनकी जो कंपनी है Berkshire Hathaway, वो टॉप 10 वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में काउंट करी जाती है। सबसे ज्यादा शेयर्स उनके पास है वॉरेन बफेट के पास Berkshire Hathaway के। And imagine this situation, he's top 10, top 5 richest person of the world just because of share market. तो शेयर मार्केट में बेटा कमाने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी कमा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। सो देयर इज नो लिमिट इन द शेयर मार्केट। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि अगर आपको कमाना है तो कमाना है, बेवकूफी से नहीं, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाले ने अपने ब्रदर को कॉन्टैक्ट किया, उनके ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको कॉन्टैक्ट किया, उनको बोला कि मुझे कोई क्लाइंट चाहिए जिनके पैसे को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूं। उनके ब्रदर ने एक क्लाइंट दी, ठीक है, जिसके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया, 20% रिटर्न लाके दिया था पहले साल में। शेयर मार्केट आपको हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करता है, कोई भी आपको इतना रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपने जमीन खरीदी 50 साल पहले, वो जमीन 50 साल पहले की जमीन आज की डेट में हो सकता है 10 करोड़ की होगी, 5 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की होगी। मगर अगर शेयर्स में ढंग से सेलेक्ट करे हुए शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो शायद वो आपको और भी ज्यादा रिटर्न दे सकता था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, दिस MRF जिसका शेयर का प्राइस 80,000 तक टच करके आया था, एक टाइम उसका प्राइस था 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। लोग कहते थे कितना महंगा शेयर है। अरे 5,000 में आपको इतना महंगा लग रहा है तो 80,000 तक इसका शेयर जाके टच करके आ गया। कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है एक्सपीरियंस के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेसिक तरीका है, सबसे पहले तो सेलेक्ट करो लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज का मतलब हुआ 5-10 बस। सेलेक्शन करो अपनी कंपनीज का, पढ़ो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले सेलेक्ट करो सेक्टर कौन सा है। मुझे सेक्टर पसंद है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर पसंद है, आयरन स्टील सेक्टर पसंद है, मोटर सेक्टर पसंद है, आपको कौन सा ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, आपको जो सेक्टर सबसे सही लगता है सबसे पहले सेक्टर सेलेक्ट करो। देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मुझे 1,000 कंपनीज का ज्ञान नहीं है, बट जिन कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करता हूं मुझे उन सारी कंपनीज का ज्ञान है, उन कंपनीज के बारे में मैंने ढंग से रिसर्च कर रखा है। आपने कंपनी सेलेक्ट करी, फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन किया MRF का, आपने सिलेक्शन किया ICICI बैंक का, तो आप ICICI बैंक के बारे में हर चीज जानने की कोशिश करो, उनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करो, उसका CEO कौन है, CFO कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करो। कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस करती है, किस तरीके से कंपनी लोन देती है, कितनी सिक्योर है, कितनी अनसिक्योर्ड है, जानने की कोशिश करो। कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानने की कोशिश करो, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो जानने की कोशिश करो, और जब आप ये जान जाओ और अगर आपको सही लगता है तो उस कंपनी में दिमाग लगाओ।
एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और बेस्ट कंपनी का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अभी गवर्नमेंट का आपको पता है, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट किया था कि पेट्रोल कार और डीजल कार आने वाले टाइम में बंद कर देंगे। सबको पता है ये चीज, 2025 तक गवर्नमेंट का एम है कि कंप्लीटली बैन हो जाएगा पेट्रोल कार और डीजल कार की मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या बनेगा आप सोचो, क्या बनेगा आप सोचो, इमेजिन करो। इमेजिन कर लिया सर, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स आएगी मार्केट के अंदर। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर रेवोल्यूशन आएगा आने वाले 4-5 साल में। बहुत अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है। हुंडई ने तो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार टाटा स्कॉना लॉन्च कर भी दी ऑलरेडी मार्केट में, मैंने भी देखी है कॉना, काफी अच्छा मॉडल बनाया है। बट आने वाला जो टाइम है उसमें ये कार्स और ज्यादा सस्ती हो जाएगी। देखिए मार्केट में हर प्रोडक्ट का इस तरीके से क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले पेट्रोल कार चालू हुई, धीरे धीरे लाइफ साइकिल में टॉप पे गई, धीरे धीरे डाउन आएगी अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स इसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि हमें कुछ कन्वेंशनल कार्स चाहिए, हमें ऐसी चाहिए जो कन्वेंशनल सोर्स पे चल सके। हमें नहीं चाहिए कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते रहे जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो। तो हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक्सक्यूज मी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कार्स बनानी पड़ेगी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कॉना बनाई गई है। तो टाटा मोटर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो बहुत जल्द बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाली है। अब इलेक्ट्रिक कार्स अगर उन्होंने लॉन्च कर दी, दैट विल बी अ रेवोल्यूशन। तो क्या उसका शेयर खरीदना फायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा? अभी शेयर खरीदा तो आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी तरीके का टारगेट इन्वेस्टमेंट करते हैं वॉरेन बफेट, और इसी तरीके का टारगेट इन्वेस्टमेंट करते हैं राकेश झुनझुनवाला। ये होता है बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। 100 कंपनीज को टारगेट मत करो, छोटी बड़ी कंपनीज को टारगेट करो, लिमिटेड कंपनीज को टारगेट करो। 5 कंपनीज का टारगेट बनाओ, 6 कंपनीज का टारगेट बनाओ, लिमिटेड कंपनीज का टारगेट बनाओ। जो बिगनर्स है उनके लिए बेस्ट है सबसे पहला आईपीओ सेलेक्ट करो। कंपनीज अच्छी आईपीओ है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईपीओ में हमेशा फायदा मिलता है, ज्यादातर कंपनीज में फायदा मिलता ही मिलता है। दूसरा तरीका हो इन्वेस्टमेंट करने का, सेलेक्ट करो कुछ कंपनीज जो आपको पसंद है। तीसरा, स्टडी करो जिन कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। चौथा, हर चीज जानने की कोशिश करो उन कंपनीज के बारे में, टारगेट कंपनी सेट करने की कोशिश करो, अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने की कोशिश करो। इसके लिए लोगों से मिलना पड़े, ठीक है, इसके लिए मैगजीन्स पढ़नी पड़े, बुक्स पढ़नी पड़े, इंटरनेट पे कुछ स्टडी करना पड़े, जो करना चाहो करो। नॉलेज को, अपनी नॉलेज को एडवांस करो। गवर्नमेंट के क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कौन सी कंपनी को मिल रहे हैं, ठीक है। देखो, इंसान के जीतने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, उसकी नॉलेज। जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज और जितना बेटर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होगा, वो उतना ही लाइफ में प्रोसीड करेगा, उतना ही लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा, उतना ही वो शेयर मार्केट से कमा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज का मार्केट देख लिया आपने, एकदम डाउन हो चुका है कोरोना की वजह से। प्रॉपर्टीज का मार्केट डाउन हो गया, गोल्ड, ठीक है, आपने खरीद लिया, जब बेचने जाओगे तो गोल्ड में इतना बेनिफिट नहीं है। शेयर का प्राइस अगर अच्छी कंपनीज है तो डेफिनेटली लॉक्ड क्या आएगा। हमेशा इस चीज को समझ के रखिए। आप अगर शेयर मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो ध्यान रखना, बहुत सालों से एक कहावत चलती आ रही है कॉल्ड एज बर्न योर शिप्स। बर्न योर शिप बेसिकली क्या था, एक राजा था, 600 सिपाहियों के साथ उसने दूसरे राजा पे हमला कर दिया था। उसके 10,000 से ज्यादा सैनिक थे, 10,000 से ज्यादा सैनिक, और सामने आपके सिर्फ 600 सैनिक। आप किस तरीके से लड़ सकते हो, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है आपके जीतने की। उसके जितने भी सिपाही थे सब डरने लगे, घबराने लग गए कि हम क्या करेंगे। राजा ने तभी बोला कि शिप्स को जला दो, 2 शिप्स के अंदर मैं मेरे सारे के सारे सिपाहियों को लेके आया था, दोनों शिप्स जला दो। जला दी दोनों शिप्स। अब उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी उन 600 सिपाहियों को, कि या तो हम इन 10,000 से लड़े या फिर मर जाए, क्योंकि हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो 600 लोगों ने वो 10,000 से ज्यादा की फौज को हरा दिया। दैट इज कॉल्ड इज बर्न योर शिप्स। अगर आप बिजनेस करने एंटर हो रहे हो, बिजनेस करने के लिए एंटर हुए हो, तो शेयर मार्केट में याद रखना, बर्न योर शिप्स। पैसा पूरा मत जला देना अपना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से जो कमाओगे उसी को रीइन्वेस्ट करो, उसी से रीइन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान रखो। शेयर मार्केट से कमाया उसी में रीइन्वेस्ट करा, उसी में रीइन्वेस्ट करा, उसी में रीइन्वेस्ट करा। एक दिन इतना ज्यादा बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी सेविंग्स को कभी भी शेयर मार्केट में पूरा पूरा नहीं डालना, उसको हमेशा सेफ रखना है। वेदर इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट और समथिंग और एनीथिंग लाइक दैट। पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे शेयर मार्केट में, 0 पे आ जाओगे।
समझना जरूरी है शेयर मार्केट को, गैम्बलिंग नहीं है ये, इंटेलिजेंस का सबूत है। भेड़ चाल में नहीं जाना, दूसरों की टिप्स के पीछे नहीं पड़ना, अपना दिमाग लगाना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, कुछ सेलेक्टेड और लिमिटेड कंपनीज में काम करना है, हमेशा आपको शेयर मार्केट कमा के देगा। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग के पास मेरे नंबर होंगे, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से नंबर मांग सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी डाउट रखते हैं या अगर आपको शेयर मार्केट में और भी कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।